मोदी जी काम करे, विकास करे, जनता के दिलों पर राज करे, इसलिए बन रहे मोदी जी। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की उखड़ा पहले से उखड़ पड़ा है। विपक्ष है कहाँ खड़ा हुआ? विपक्ष की उखाड़ जनता भी 2023 में फेंक दिया। कौन सा लोकतंत्र बात करे? 1975 की लोकतंत्र की बात करे, 1984 की बात करे, 1979 की बात करे, कौन सा मुजफ्फरपुर दंगा की बात करे? कांग्रेस आज जो हो, कांग्रेस पहले सीट बांटा करते थे, आज सीट के लिए भीख मांगने पड़ा वो लालू प्रसाद यादव को, जिसको जेल में भेजा था उसने, जेपी आंदोलन में जेल में भेजा था लालू प्रसाद यादव को। अकेले जाते तो सीट मांग रहा, जब इतना सीट दो, केजरीवाल से सीट मांग रहा है, कौन से बात करे? राहुल गांधी लगा रखे हो आपने। मोदी ने बहुत गलत किया, बेचारा एक बार प्रधानमंत्री बन जाता, कम से कम घर तो बस जाता उसका। पार्टी में जाते हैं, सांसद कहते हैं हमको समोसा नहीं मिला, ये समोसा खाने वाले, ये इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। अरे न्याय अन्याय याद रहा इनका, मैडम इनका क्या न्याय था? कभी कहते भारत जोड़ा कर तोड़ो, ये तोड़ने वाले क्या जोड़ेंगे भारत को? मंजय कुमार मंडल। कौन बन रहा है इस बार प्रधानमंत्री? मोदी जी बन रहे हैं। बन रहा है मोदी जी, काम करे, विकास करे, जनता के दिलों पर राज कर रहे, इसलिए बन रहे मोदी जी, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी सर। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की उखड़ा पहले से उखड़ पड़ा है। विपक्ष है कहाँ खड़ा हुआ? विपक्ष की उखाड़ जनता भी 2023 में फेंक दिया, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से उखाड़ के फेंक दिए। कहाँ पर विपक्ष है? कौन सा विपक्ष है? आप बात किस विपक्ष के करना चाह रहे हो आप? आप जो कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं, विपक्ष वाले जो मोदी जी राम मंदिर के स्नेह ले रहे हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाह रहे हैं आप मथुरा के मंदिर बना दीजिए, ज्ञान बापी मंदिर बनवा दीजिए, हम आपके स्नेह ले लेंगे। आप बना कर देखिए, आप राम मंदिर में पूजा करने तो एक बार जाके देखिए, आप मुसलमान वोट नहीं देगा आपको, जाएंगे भी नहीं, उनको नौता भेजेगा तभी कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगा राम मंदिर के उस उद्घाटन में, नहीं जाएंगे। आप जिस विपक्ष को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो विपक्ष ये कहता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम पार्टियां एक साथ आई हैं, मोदी ने जो है वो देश खराब कर दिया है, नफरत फैला। कौन सा लोकतंत्र बात करे? 1975 की लोकतंत्र की बात करे, 1984 की बात करे, 1979 की बात करे, कौन सा मुजफ्फरपुर दंगा की बात करे, ये अजमेर शरीफ दरवोश की बात करे, जो 1000 लड़की को गैंगरेप हुआ था उसको वीडियो बना के सोशल मीडिया पर किया था, जो वो पाए गए थे वहाँ की शेख पाया गया था, कौन सी बात करें, कौन सा बात करें मुद्दे की बात करें? कश्मीर की 5 लाख कश्मीरों पंडित 1990 में भगा दिया गया, क्या हाल किया गया इसकी बात कर रहे हो आप? कौन सा बात करें उनसी? कौन सा लोकतंत्र के? 150 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगा कांग्रेस शासन में, कितनी बार संविधान में संशोधन करने कर करके सेकुलर को बना दिया आपने, जो मुस्लिम लीग पार्टी थे केरल के अंदर में, जो पाकिस्तान के बंटवारा में सबसे बड़ा हाथ था, उसने जब बंटवारा होते गया नहीं पाकिस्तान, यहाँ पे रह गया, तो उसको जवाहरलाल नेहरू सेकुलर मानने से इनकार कर दिया था, आज राहुल गांधी उसको सेकुलर के चोला पहना दिया, अगर हम राम भक्त थे हमको सांप्रदायिक है, RSS वाले सांप्रदायिक है, राम भक्त सांप्रदायिक है, किस चीज़ की बात करो? कहाँ रह गया विपक्ष? कोई विपक्ष बात नहीं है। बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम 2024? जनता उखाड़ के दिखा दिया, वो फेंकने की बात करें, जनता उखाड़ के फेंक दिया, वो उखाड़ के जनता फेंक दिया, आप उखाड़ने की बात, जनता यहाँ उखाड़ के फेंक दिया। समय बदल चुका है, जनता समझ रही है कि बेरोजगारी महंगाई बहुत है। तो फिर EBM की रोना क्यों रोते हो? EBM लाया किसकी सरकार में? कांग्रेस लाया था। किसकी सरकार में EBM पे चुनाव हुआ था? कांग्रेस की सरकार में चुनाव हुआ था EBM पे। फिर मोदी जीता था कि नहीं जीता 2014 में? फूल बम से ज्यादा वोट आया था। किसकी सरकार था? कांग्रेस की, सत्ता कांग्रेस की थी, तो बीजेपी कैसे जीत गया अगर EBM खराब था? तो इस बार माहौल जो है बदला हुआ है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम दर पर है। मैडम जी किसी को बताना मत, आप भी फील्ड में घूमते हो, आपको भी पता है समय कितना बदला हुआ है, बताना मत राहुल गांधी को, आपको भी पता है राहुल गांधी के बोला समय बहुत बदला हुआ है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया मोदी जी। हाँ तो युवा के बाप के भविष्य बना दिया था कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने? नहीं नहीं, राहुल गांधी के पूर्वज युवा के बाप के संपर्क बना दिए थे क्या? वो बना दिए थे क्या? आज हमारा बाप के बना देते, हमारे यहाँ थोड़े रहते हैं। कह रहे हैं इस बार अगर राहुल गांधी को मौका मिलता है तो वो 10% जो है वो मोदी से डबल काम करेंगे, क्योंकि युवा है पढ़े लिखे। कांग्रेस पहले सीट बांटा करते थे, आज सीट के लिए भीख मांगने पड़ा वो लालू प्रसाद यादव को, जिसको जेल में भेजा था उसने, जेपी आंदोलन में जेल में भेजा था लालू प्रसाद यादव को, जो उसके उसमें चारा घोटाला में भेजा था, और उससे सीट मांगने पड़े जा रहे हैं, अकेले जाते तो सीट मांग रहा, जब इतना सीट दो, केजरीवाल से सीट मांग रहा है, कौन से बात करे? राहुल गांधी लगा रखे हो आपने, कुछ नहीं है यहाँ पे होने वाला। भरोसा क्यों नहीं? कौन युवा है? मोदी तो 32 साल का है। हाँ क्या कहते हैं, एक युवा तो बहू और बहुमत से दोनों से ही वंचित हो गया है, अब बताओ क्या कर सकते हैं उसका, इतनी स्थिति खराब है कांग्रेस की। भरोसा क्यों नहीं कर रहे राहुल?
राहुल गांधी पर वो खुद युवा बने बैठे हैं 50 साल के, बताओ उनसे बड़ा युवा कौन होगा। बहु और बहुमत दोनों से वंचित हैं। अब अगर युवा उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, युवा उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, युवा भी खुद पता नहीं कहाँ चला जाएगा, फिर युवा भी अंधकार में चला जाएगा अगर उनकी तरफ चला गया तो। इससे अच्छा युवा है मोदी सरकार के ही साथ बना हुआ है, कम से कम ये तो स्टार्टअप करने की सोच तो रहा है, कम से कम इधर उधर पैर तो नहीं फेंक रहा है, वो तो बहु और बहुमत दोनों से वंचित है। वो तो ऐसा है, ये मोदी ने बहुत गलत किया, बेचारा एक बार प्रधानमंत्री बन जाता कम से कम घर तो बस जाता उसका, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ऐसा अब हो पाएगा, क्योंकि 4 साल बाद तो उनकी पेंशन लग जाएगी 60 साल, और मोदी के राज में ये मुमकिन है। चलो भाई आगे। क्या नाम? जयप्रकाश। कहाँ से? उत्तराखंड। ये बताइए 24 प्रधानमंत्री किसे बना? प्रधानमंत्री मोदी जी है, 450 सीट लेकर आ रहे हैं, 450 क्यों ला रहे हैं? 450 काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका काम हो रहा है। विपक्ष खड़ा हुआ ये कह रहा है कि इस बार जो उखाड़ फेंकेंगे। अरे विपक्ष है ही नहीं इनके, तो अभी तो गठबंधन की मीटिंग ही नहीं हो पा रही खत्म है अभी तक। इनको तो पार्टी में जाते हैं, सांसद कहते हैं हमको समोसा नहीं मिला, ये समोसा खाने वाले, ये इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है इनका, कोई न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अरे न्याय अन्याय यात्रा है मैडम इनका, क्या न्याय है? कभी कहते भारत जोड़ो कभी तोड़ो, ये तोड़ने वाले क्या जोड़ेंगे भारत को, न्याय क्या या अन्याय वाले हैं ये, कोई काम माहौल बदलेगा 2024? कुछ नहीं बदलेगा मैडम, ये खत्म हो जाएगी, ये होना जरूर 24 में, इनका खत्म हो जाएगा, विपक्ष वाले का सारे खत्म हो जाए। मेरा नाम महेश चंद्र गुप्ता है, दिल्ली से ही है। बताइए सर प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? देखिए मैडम जी, इस टाइम जो नरेंद्र मोदी हैं उसके मुकाबले कोई भी पार्टी में नहीं है, वो नहीं कोई देश चला सकता है। केजरीवाल प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर ये स्वच्छ पानी नहीं दे सकते। अब ये चल के देखिए जा करके आप, अब ये टंकी से पानी खोल करके दिखाते हैं कि इतना गंदा पानी आ रहा है कि शायद आप नहाने के लिए भी तरस जाएंगे, लेटरिन करने के लिए भी तरस जाएंगे, इतना गंदा पानी आ रहा है। वो आ से नहीं आ रहा, कम से कम एक महीना हो गया पूरा गंदा पानी आ रहा है। जब वो ये अपनी दिल्ली नहीं संभाल सकते तो देश को क्या संभालेंगे? इनके बस का है क्या है? ये तो सिर्फ क्या है कि दिल्ली या पूरे बाबे हिंदुस्तान में अपना नाम फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। और इन्होंने किया क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने देश के लिए विकास किया है, और जो चीज़ कांग्रेस नहीं ला पाई वो नरेंद्र मोदी लेकर के आया है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए जितना इन्होंने मान बढ़ाया है इतना किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है। ये राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा? जो कांग्रेस बची खुची है वो भी चली जाएगी, है क्या है? और इन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए? क्या किया इन्होंने? तो वही है कि नाम किसी का और काम किसी का। है हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है मोदी सरकार, वहीं देखिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि राम मंदिर पर राजनीति कर रही है बीजेपी, राम मंदिर से रोटी थोड़ी मिलेगी। देखिए मैडम जी, राम मंदिर हमारे देश का सपना था, क्योंकि हमारे देश में रामचंद्र जी पैदा हुए थे, जो अगर ये है नहीं बना सके, अगर इन्होंने बना दिया तो कौन सा गुनाह किया है? और ये तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि राम मंदिर का मुद्दा है, मुद्दा कुछ नहीं है, इन्होंने जो काम किया है इतने सालों से, अगर ये पढ़ा था इतने सालों से ये पढ़ा था तो इन्होंने बनवाया क्यों नहीं? वही हैं तुम्हारे उनका क्या नाम है, अरे ने ये यूपी के अखिलेश यादव, उनके फादर थे, हाँ उन मुलायम सिंह यादव, जो कि निहत्तों पे लाठी चार्ज करवाया, निहत्तों पे गोली चलवाई, और ये देश को क्या चलाएंगे? जब हमारे देश के राम भक्तों पे ही गोली चलवाते हैं तो बताइए कौन किस पे भारी पड़ रहा है इस बार? कोई किसी पे भारी नहीं, मोदी के आगे कोई नहीं।